हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम उमेर है। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अपने भाई को। और हाँ, मेरी व्लॉग्स को पूरा एंड तक देखा करो। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा, बहुत ज़्यादा काम है आज। क्यों, क्या क्या काम है आज? काम ये है कि भाई अम्मी की पुरानी व्लॉग पूरी करनी है। मैंने अम्मी ने पेंटिंग करी थी बीच में, तो अम्मी मैंने रोक दिया था उनको। मैंने बोला अम्मी रुक जाए, मुझे एक आइडिया आया आपकी पेंटिंग देख के, तो मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ। तो अम्मी ने बोला क्या करना चाहते हैं? मैंने बोला वो वक्त आने में मैं आपको बताऊँगा। तो आज वो वक्त आ गया है और मैं अम्मी की पेंटिंग भी दिखा देता हूँ आपको, अम्मी ने क्या बनाया था। और मैंने अम्मी को कहाँ स्टॉप किया कि अम्मी बस इतना सही है, इसके बाद मैं काम करूँगा इस पर। तो मैंने वो आपको पेंटिंग दिखा देता हूँ। पहले अम्मी ये पेंटिंग उठा के लाइएगा अपनी, तमीज सीख लो। अम्मी बना रही थी मोमबत्ती, देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत है ये मोमबत्ती। तो अम्मी बस बना ही रही थी इसको, साइड में भी चीज बना रही थी, लेकिन मैंने रोक दिया। मैंने अम्मी रुक जाए, मुझे एक आइडिया आया। अब वो आइडिया क्या आया है? वो आइडिया ये आया है कि इसके इसके अंदर मैं थोड़ा सा क्ले यूज करूंगा। सही है, वो क्ले यूज करके मैं इसको थोड़ा सा ना एक अपने माइंड से इसको थोड़ा सा क्रिएट करूंगा, इसमें एक आर्ट क्रिएट करूंगा। सही है, तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो गाइस, सारा सामान मैं लेकर आ चुका हूँ। ये ब्यूटी बॉक्स साले का खोपड़ी तो वाह वाह भाई वाह, क्या है ये? ए कैमरा खुला हुआ था, तुमने बंद भी नहीं करके रखा था बाहर का। चलो ये क्या चीज है? हम ये कहना चाह रहे थे कि ये ब्यूटी बॉक्स नहीं है, हमारे काम की चीज है और गिर गई सारी। सो गाइस, इनका नाम है लड़की द एंजल, बड़ी तेज है। हम बात यहाँ कर रहे थे, एकदम से उस कमरे में चले गई। असंभव। सॉरी सॉरी अम्मी, मारना नहीं मेरे को, मेरे को मारना नहीं लड़की, अरे नहीं मारना नहीं मारना, निकलती लग गई। अच्छा लाओ 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 ला। सीन तो पूरा करने दो, सीन तो पूरा करने दो। कहाँ लगी, यहाँ लगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे बाप रे, अरे अम्मी रुक जाओ रुक जाओ, लोगों को दिखाने दो, लोगों को दिखाने दो। गाइस ये देखें। अरे कहना क्या चाहते हो? अम्मी जरा शो करें। क्या? उंगली रखें जहाँ मेरी हड्डी पड़ी हुई। ये आराम से लड़की, आराम से। सो गाइस देखें, ये अभी ये पतरी किस चीज की मेरे अंदर कमी आई है कि मेरी हड्डी बढ़ने लगी, बताओ। एक प्यारा सा लड़का, एक खूबसूरत सा लड़का और एक खूबसूरत माँ का लड़का है, जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, आज उसकी बताओ कलाई की हड्डियां बढ़ रही हैं। यार अम्मी कहाँ चला गया वो दौर? बस हवा निकल गई, हाँ कहाँ कहाँ गया वो दौर? वो दौर यही है। यही है, कहाँ है? ये तो हड्डी बढ़ गई मेरी, बताओ। हमारे देखने का अंदाज बदल गया। अच्छा चलो फिर शुरू हो जाओ। कंट्रोल कंट्रोल। अरे बाप रे, टांग मांग नहीं उठाओ भाई, ये गलत है, ये ज्यादा हो जाएगा, बस कर दो, हल्की हो जाओ, बस ज्यादा नहीं बेटा। 5 minutes later गाइस, तफरी बहुत ज्यादा हो गई। अब देखें ये हमने खोलना है। सही है, ये है क्ले और इस पे हमने लगाना है। सही है, अब मैंने बनाना क्या है भाई? बनाना ये है कि ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, थोड़ा सा हम ये भी ले लेंगे थोड़ा सा, तो हमने दिखाना है कि दीवार है ये। सही है, ये दीवार है और मोमबत्ती है। सही है, तो हमने एक छोटी सी यहाँ पे दीवार खड़ी कर देनी, जैसे ये एक हिस्सा दीवार है और ये बैक साइड है। सही है, तो बस हमने ये करना है, इंशाल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता होगी। वैसे छोड़ो, प्याला की जरूरत नहीं है इतनी, हम डायरेक्ट इसी पे निकालेंगे। सही है,
गाइस कुछ इस तरीके से मैं इसको बनाना चाह रहा था। अब ये है कि मोमबत्ती थोड़ी सी अंदर की गंदी हो गई है, जो कि अम्मी ठीक कर देंगे। अब सारा काम अम्मी का है, सही है? तो अम्मी अब आपका सारा काम है, सही है? मैंने इसका सब कुछ जो मैं बनाना चाहता था वो मैंने बना दिया। अब एक मोमबत्ती आपने इसको इसी को आप सही कर लें, सही है? या अगर अलग स्टाइल से बनाना चाहती हो तो अलग स्टाइल से बना लें। वैसे मैं बताऊं तो यही ज्यादा अच्छी है। इसको ऊपर दोबारा कलर कर दें और पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक ही कर दें, सही है? तो आप मुझे बताएं कि अब इसको हमने थोड़ी देर सुखा लें, ड्राई कर लें, या फिर हम फौरन शुरू करें? इसको ड्राई होने देते हैं। अच्छा। हम इधर काम कर लेते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नहीं नहीं मैं मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या इसको ड्राई होने दें पहले? नहीं नहीं, या काम करें? काम करते ना, यहाँ कर लेंगे। हाँ हाँ चलो सही। हमने क्ले को अलग कर दिया है, ये भी अलग कर दिया। अब ये है अम्मी, इसको पता छुरी से खरोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा। हाँ चलो पहले ऐसे हाथ से उठा लो, ये लो इसमें, इसमें निकाल लो, इसमें इसमें डाल लो। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुग्गर लड़की है। सो गाइस अम्मी प्रोजेक्ट बनाते बनाते सफाई में लग गई हैं। अम्मी कह रही है बिल्कुल साफ सुथरा करके बनाओ, और जो कि बहुत अच्छी बात है। शाबाश लड़की, शाबाश, काम करो। अन सफलता से सफलता की पहली सीढ़ी है बेटा। सो गाइस अम्मी तैयार हैं कलर करने के लिए। शाबाश अम्मी, कलर करें आप। और अच्छा आप एक बात है, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी तो सब सिर्फ खाना पकाना हो रही है, लेकिन मेरी हॉबी जो थी वो थी पेंटिंग करना। पेंटिंग करना, माशाल्लाह आप तो बहुत टैलेंटेड थी अम्मी। हमने आपकी पुरानी फोटोज में आपकी बनाई हुई फोटोज देखी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, है टैलेंटेड मेरी माँ। माशाल्लाह देख रहे हैं अम्मी कितनी अच्छी पेंटिंग कर रही है, और अम्मी को पेंटिंग करे हुए काफ़ी साल हो गए, सही है? तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कलरिंग के लिए, DIY प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ ब्रश को हाथ में लिया था, सही है? तो जब अम्मी प्रोफेशनली तरीके से आर्ट्स काउंसिल में जब काम करती थी, ये फाइन आर्ट्स करती थी, अम्मी फाइन आर्ट्स कहलाता ना ये, फाइन आर्ट्स करती थी, तो इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी। अब ये है कि इनको वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन माशाल्लाह जब अभी इतना अच्छा कर रही हैं तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी सोचे कितना अच्छा करेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह जरूर कहिएगा। A few moments later. So guys, मैंने इसको फैन के आगे रख दिया, ये रहा फैन, सही है? तो अब इसको ड्राई होने में एक दिन लगेगा, क्योंकि क्ले है, चिकनी मिट्टी है, तो ये बहुत देर में सूखेगी, कम से कम एक दिन लगेगा इसको सूखने में, सही है? तो अब ये है कि आप सब छोड़ें, ये देखें कि रियलिटी कितनी है यार इसमें पेंटिंग में। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बस से बचाया मेरे अम्मी की टैलेंट को। माशाल्लाह बहुत प्यारा टैलेंट है। देखो ये शेड, देखो ये साइड में जो दिख रहे हैं ये शेड, देखो माशाल्लाह बहुत प्यारी है अम्मी ने पेंटिंग बनाई है। लेकिन अफसोस कि ये आज कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि अम्मी ये जो ईंटें मैंने बनाई हैं इस पर भी कलर आएंगे, इस पर भी शेड आएंगे, सही है? लेकिन ये अभी बहुत गीली है, सही है? तो मैं अभी फ़ैन चला देता हूँ। सो गाइस अब करना क्या है कि मैंने अब उसको ड्राई होने के लिए रख दिया है, जो कि पूरा एक दिन लेगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें पेंटिंग भी है और मेरा थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड मैंने उसमें अपना यूज़ किया है, सही है? तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, सही है? और खाने में क्या है, खाने में वही है हमारा अंडा रोटी। अभी रोटी है घर में ये बताएं? दो रोटी पड़ी हुई है भाई, मुबारक, दो रोटी पड़ी हुई है। A few moments later. अंडे तलने का टाइम आ गया है। अम्मी आप आए, अब अंडा तले, क्योंकि मैं कैमरामैन नहीं करूंगा, सही है? इस बार मैं कैमरामैन और आप कुकर। कुकर चलो भाई, पहला अंडा अम्मी के हाथों से टूट रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझा चूजा निकलेगा। तू पागल है क्या? हाँ लंबा वाला चम्मच लाए। सो गाइस आज मैं इसमें डाल रहा हूँ चिकन पाउडर। वैसे आज चिप्स नहीं थी, रात को मैं चिप्स
कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं, सही है, तो मैं चिकन पाउडर डाल रहा हूँ। ओए होए 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 होए, ओहो अम्मी ने तो काली मिर्च डाली और चिकन पाउडर भी डाल दें थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। ओए होए होए होए, ज़्यादा से ज़्यादा चिकन पाउडर डालो तो मज़ा आता है। सो गाइस हमने एक निवाला तोड़ लिया है, अब ये है कि अब हम इसको जर्दी में लगाएंगे, सही है, और थोड़ा सा चिकन पाउडर में लगाएंगे और अम्मी बहुत मज़े का भाई, लाजवाब बेहतरीन। तो भाई आप लोग बताएं कि आप कभी अंडे में ये चिकन पाउडर डाल के खाते हैं? नहीं। अगर खाते हैं तो बताइएगा जरूर, ओके। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को, सही है। और हाँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और अम्मी को दुआओं में अपने याद रखिएगा। वीडियो कंटिन्यू होगी इंशाल्लाह कल, ओके, अल्लाह हाफिज़।